गाइस देखो, ये मोटुल का 7100 10W40 4 लीटर। ये कौन सा गाड़ी में लगेगा आप लोग गेस करो ये देख के, ठीक है। ये कावासाकी का जेन्युइन मोबिल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर। और ये ड्रेन बोर्ड का वाशर भी मैं चेंज करूँगा, एलुमिनियम का वाशर रहता है, वो भी जेन्युइन ही है कावासाकी का। और ये बाइक देखो Z900, ठीक है। इसका अभी मोबिल चेंज होगा, मोबिल पहले मैंने ड्रेन कर लिया है, वीडियो मैंने नहीं बनाया उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर 17mm ड्रेन बोर्ड लगता है, 17mm ड्रेन बोर्ड को मैंने खोल लिया है, फिर मोबिल गिर चुका है। और ये जो देखो मोबिल फिल्टर जेन्युइन कावासाकी का, ये मोबिल फिल्टर भी मैंने मोबिल रेंज से लूज़ कर लिया है, ये देखो घूम रहा है ये देखो, ठीक है। तो मोबिल पूरा गिर जाना तो फिर मैं मोबिल फिल्टर को निकालूंगा और इसका मोबिल चेंज करेंगे, ठीक है। मोबिल इसमें 3.6 लीटर जाएगा विथ फिल्टर, और कोई अगर एयर फिल्टर चेंज मोबिल फिल्टर चेंज नहीं करेगा तो उसमें 3.2 लीटर जाएगा। और इसका अभी मोबिल फिल्टर मोबिल चेंज करेंगे, फिर उसके बाद इसका एयर फिल्टर क्लीन करेंगे। K&N का एयर फिल्टर है, वो तो खोलने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है। नहीं है गाड़ी देख लो गाइस, और एक बार इसका साउंड नोट भी सुनाएंगे। इसमें बाय द वे इसमें देखो डी कट किया हुआ है और एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है एरो का, एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है और डी कट भी किया हुआ है। कैटलेटिक कन्वर्टर बीच से लगा हुआ है, खुला हुआ नहीं है। तो अभी ऐसे करके करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे एयर फिल्टर और साउंड नोट। ये देखो ये पैनल एंड ये वाला टोटल सामने का सीट, पीछे का सीट एंड ये वाला सेक्शन, ये सब कुछ ओपन करना पड़ेगा। देखो इस साइड का मैंने खोल लिया है, ये देखो सारा कुछ। तो इतना सब कुछ खोलने के बाद फाइनली टैंक रिमूव होगा, फिर उसके बाद एयर फिल्टर को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी ये सब खोल लेते हैं, फिर आपको वीडियो में दिखाते हैं। गाइस देखो ये टैंक ओपन हो चुका है एंड ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी जितना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो है ECU, इस ECU को मैं पूरा रिमूव करूंगा, फिर ये एयर फिल्टर है अंदर में, एयर फिल्टर को तभी मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो उससे पहले इसको रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद ये देखो जितना सारा स्क्रू सब है, सब स्क्रू सब खोलेंगे, पूरा स्क्रू में भरा हुआ है। सब कुछ खोलने के बाद फिर एयर फिल्टर को दिखाएंगे, वीडियो में बने रहो। देखो फिल्टर बॉक्स ओपन हो चुका है फाइनली एंड ये K&N का ओरिजिनल फिल्टर आफ्टर मार्केट, ये देखो फिल्टर थोड़ा सा गंदा है बट अभी इसको क्लीन करेंगे। मेड इन USA वाला K&N का, वो मेड इन द USA, इसको भी क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद ल्यूब करेंगे, फिर उसके बाद फिटिंग करेंगे। बस ये देखो ये है एयर फिल्टर ऑयल, मतलब ये ल्यूब है एयर फिल्टर का। तो ये K&N का है, ये भी K&N का है, तो दोनों साइड मैं ल्यूब करूँगा। फिर उसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट को मैं रख दूंगा, जैसे ल्यूब जितना ज़्यादा ल्यूब रहेगा तो वो गिर जाएगा नीचे में, ओवर नहीं होगा। तो बस वही करेंगे, तो फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि ज़्यादातर सुपर बाइक ओनर आफ्टर मार्केट K&N का BMC का नहीं तो DNA का एयर फिल्टर, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाता है, क्योंकि इसका प्राइस भी स्टॉक का प्राइस मोटा कम से कम 6000 से शुरू होके 6000 8000 11000 ऐसा कुछ दाम है। और इसका एक बार ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये डालने से क्या होगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, एयर फ्लो अच्छा होगा, देखो एयर फ्लो भी अच्छा रहेगा, गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए ज़्यादातर सुपर बाइक ओनर ये परफॉर्मेंस एयर फिल्टर फिटिंग करता है। और ये मैं ल्यूब दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको फिटिंग करूंगा। तो कैसे ल्यूब दूंगा मैं एक बार ब्रीफ भी कर देता हूँ वीडियो में। वैसे मेरा 10R का वीडियो, 6R का वीडियो में मेरा दिया हुआ है कैसे करके ल्यूब होता है और क्लीन होता है, तो वो सब वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो ये देखो यहाँ एक होल है, इसको ऐसे करके फिटिंग करके ऐसे करके दे देना है, इसको प्रेस नहीं करना है, नहीं तो प्रेस करोगे तो ज़्यादा ऑयल निकल जाएगा। बस ऐसे करके देना है, तो ऐसे करके मैं पूरा ये ल्यूब कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उस साइड करूँगा, फिर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ क्या प्रोसेस अपनाना है। तो अभी के लिए वीडियो में बने रहो, वीडियो को स्किप मत करो। तो एयर फिल्टर फिटिंग हो चुका है और एक्सेसिव जो ऑयल था सब मैंने निकाल लिया है, और क्लॉथ से मैंने कपड़ा से बढ़िया से क्लीन भी कर लिया है। और ये देखो ये सब भी क्लीन हो चुका है। ये सब क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो डस्ट वगैरह जितना रहेगा वो एयर फिल्टर में फिर से साक करने लगेगा। तो जितना बार गाड़ी का काम होगा उतना सब बढ़िया से देखो क्लीन हो चुका है।
ये ऐसे करके क्लीन करने से और एयर फिल्टर में प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगा और एयर फिल्टर में जल्दी मतलब धूल मिट्टी बैठेगा भी नहीं। ये सब धूल मिट्टी टान के खींच के वहाँ पर सक करके एयर फिल्टर में फिर से दोबारा बैठ जाएगा, इसीलिए क्लीन करके लगाना चाहिए। तो इसको मैं फिटिंग कर दूंगा, फिर उसके बाद जब मैं गाड़ी को फिर से स्टार्ट करूँगा तो फिर आप लोगों को साउंड नोट एक बार सुनाऊँगा। तो अभी वीडियो में बने रहो और वीडियो एंड तक, अभी तक आ ही चुके हो तो एंड तक पूरा लास्ट वीडियो देखना, फिर वीडियो से जानना। देखो मीटर मैंने ऑन कर, चाबी मैंने ऑन कर लिया है और टैंक को मैंने थोड़ा सा फिटिंग कर लिया टेस्टिंग के लिए, क्योंकि नया मोबाइल है तो मोबाइल को थोड़ा सा गर्म भी करना पड़ेगा। तो अभी वार्म अप का आप लोग साउंड देखो कैसा आ रहा है। ज़्यादा हीट हो जाएगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ही बाहर में बहुत गर्मी है। तो सब कुछ अभी मैं सब कुछ फिटिंग करूंगा, उसके बाद लास्ट में एक बार आप लोगों को साउंड सुनाऊंगा। वीडियो में बने रहो साउंड लास्ट में सुनने के लिए। सब कुछ फिटिंग हो चुका है फाइनली एंड वार्म अप भी हो चुका है कम्प्लीट। ये देखो फिटिंग हो चुका है अभी, ये देखो सब कुछ हो चुका है काम। सही का कावासाकी का जेन्युइन मोबाइल फिल्टर लगा हुआ है, ये देखो कावासाकी का जेन्युइन मोबाइल फिल्टर एंड रेड ब्लड, ये देखो मोटुल का, ये वाला मोटुल वाला रेड ब्लड, ये सब कुछ हो चुका है। अभी एक दो मिनट सुन रहे, ये एरो का इसको सब कुछ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट भी करना गाइस। बाय बाय, टिल देन।